एक सरकारी स्कूल के अध्यापक द्वारा एक सरकारी स्कूल का अध्यापक करीब 2 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया है। शिक्षक के बैंक खाते से 2 लाख रुपए साफ हो गए हैं। पीड़ित ने पुलिस थाना हमीरपुर में ऑनलाइन ठगी की शिकायत भी दर्ज की है। पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पीड़ित विपुल कुमार गाँव कोठी तागढ़ टाउन भराड़ी तहसील व जिला हमीरपुर का रहने वाला है। विपुल कुमार ने पुलिस में दी शिकायत में कहा है कि वह वित्तीय लेन देन के लिए मोबाइल फोन पर गूगल पे अकाउंट का प्रयोग करते हैं। गत दिवस उनका गूगल पे अकाउंट बंद हो गया। इस पर टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सहायता मांगी, लेकिन टोल फ्री नंबर पर बात न होने के बाद उसके नीचे लिखे अकाउंट नंबर पर कॉल कर दी। गूगल पे अकाउंट अपडेट करने के लिए एक लिंक भेजा। जब लिंक पर क्लिक किया तो उसके खाते से 2,99,999 रुपए यानी 1,99,998 रुपए कट गए। विपुल कुमार ने इस बारे में पुलिस में शिकायत देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। पुलिस अधीक्षक हमीरपुर कार्तिकेय गोकुल चंदेर ने कहा कि पुलिस के पास गूगल पे के जरिए बैंक खाते से करीब 2 लाख रुपए निकलने की शिकायत मिली है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। उन्हें सभी लोगों से मोबाइल के जरिए बैंक खाते के बारे में मांगी जाने वाली जानकारी को किसी भी सूरत में साझा न करने की अपील की है। SP ने कहा अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वह सीधे बैंक शाखा में जाकर अपने खाते से संबंधित परेशानी का समाधान पा सकता है। ऐसा है कि मेरे पास शिकायतकर्ता आए थे, उन्होंने ये बताया कि उनके खाते से पैसा उन्होंने एक लिंक क्लिक करने पर चले गया था और किसी ने फ्रॉड करके निकाल दिया, तो उसके कारण हमने केस रजिस्टर किया और इन्वेस्टिगेशन किया। आप बोलिए, पूछना सर आपके कुछ अपील। कुछ बैंक रिलेटेड कुछ सर्च करते हैं गूगल पे या आपके पास कोई लिंक आता है या OTP आता है, तो आप इंश्योर करें कि ये OTP आप किसी के साथ शेयर ना करें, और ये जो लिंक्स आते हैं आपको वो किसी के साथ शेयर ना करें और अनवेरीफाइड लिंक्स पे क्लिक ना करें। ये जो बैंक्स होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कभी भी किसी को फ़ोन कॉल नहीं करते हैं, तो और कभी को इस ईमेल भी ज़्यादातर भेजते नहीं हैं, तो आप इन सब चीज़ों को इंश्योर करें। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो एक बार आप पहले हमें पुलिस से संपर्क करें या तो आप अपने बैंक और बैंक मैनेजर से संपर्क करें और पता करें कि क्या इशू है। उसके बाद आप वेरीफाई करने के बाद आप आगे प्रोसीड करें, ताकि आपका जो भी इशू होता है बाद में ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपसे फ्रॉड करके आपका पूरा खाते से पैसा निकाले।